صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي النمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الرذين. روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات जाना गामी वाहदानियत की निशानियों के उनवान से मैंने इस अशर को शुरू कर रखा है सिलसिले की छठी मजलिस है आज हमारे एक बहुत मज्ज़ मेहमान भी मौजूद हैं जो बिशप ऑफ पाकिस्तान हैं पूरी दुनिया में हर इंसान हुसैन हुसैन कर रहा है और जिस तरह से मैंने पहले पेश किया कि निशानियाँ हैं वाहदानीत की अल्लाह के वद शरीक होने की निशानियाँ हैं और आज सबसे रोशन दलील हुसैन इबन अली हैं के रामी आज मुझे शाहिद को मुकम्मल करना है कि अल्लाह ने जो फरमाया फरमायाद ग्यारहवा आयत नंबर सत्रह में अल्लाह रिशात फरमा रहा है अफमन काना अला बना थे रब ही वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया हो कुरान को कैसे घड़ सकता है वह यथलू हो शाहिद हो जबकि उसके साथ साथ एक गवाह भी है मैं मुसलसल जोर दे रहा हूं इस बात पे एक गवाह है एक कितने एक गवाह है अब क्योंकि बिशप साहब मौजूद हैं तो रोक के एक जुमला इनकी मोहब्बत में इनके लिए पेश कर रहा हूं जनाब मरियम का भी एक ही गवाह था जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम अल्लाह ने बशारत दी थी मरियम अल्लाह आपको बेटा देने वाला है फरिश्ते आके कुरान करीम में है बाइबल में भी यही है में भी यही है अल्लाह ने एक मरतबा फरिश्ता भेजा जनाब मरियम के पास आया मरियम आपके यहाँ बेटा होने वाला है जनाब मरियम ने एक मरतबा बलंदावा से कहा मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है वलम सिल बशर इतना मुकदस अंदाज है जनाब मरियम का मुझे बशर ने छुआ भी नहीं है अब पता चला जो इतनी पाकिजा हो उसे किसी ने मस भी नहीं किया तवज्जो और अगर कोई फखरे मरियम हो भाई मोहब्बत सब जवाब दीजिएगा भाई मुझे अपने मौजूद को मुकम्मल करना निशानियां अल्लाह भेज रहा है तमाम बुजुर्ग मेरे बच्चे मेरे भाई जो मेरा साथ दे रहे हैं मेरा गला साथ ना दे फिर भी आप साथ दीजिएगा दो जुमले सुन लीजिए कि बिशप साहब आए हैं बिशप ऑफ पाकिस्तान है तो सुन लीजिए शियों का अकीदा क्या है मुसलमानों का अकीदा क्या है तो एक मरतबा फरिश्ते ने कहा अल्लाह आपको बेटा देने वाला का बशर ने मुझे छुआ भी नहीं है मेरे यहां कैसे हो सकता अल्लाह जिसे जो चाहे जैसे चाहे अता कर दे उसने आदम के पुतले को बनाया बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया आपके शिकम में वो कहेगा कौन और एक ईसा बन जाएगा तवज्जो फयकून ईसा है अलाम जनाब मरियम सलाम कहां थी बैतुल मुकद्दस के अंदर तवज्जो बैतुल मुकदस के अंदर थी मैं एहतराम में बहुत से जुमलों का तर्जुमा नहीं करूंगा पहुंच जाइएगा जब जनाब ईसा का वक्त विलादत करीब आया अल्लाह ने इरशाद फरमाया जनाब मरियम से या मरियम हाजा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा और जब फातिमा बिनते असद आई तो देवर शक हुई अंदर से आवाज़ या फातिमा मिलती है एक दफा जवाब दें मोहम्मदी भाई मैं मुझे एक और मजलिस में पहुंचना एक मजलिस पढ़ के आ रहा हूं जो हालत मेरी है मैं खुद जानता हूं मुझे एक और मजलिस के लिए पहुंचना हाथ जोड़ के तमाम भाइयों से मेरे मतालिब को सुन लीजिएगा जो मतालिब पेश करूं देर बहुत हो चुकी है सारा मजमा इसी तरह से जिस मोहब्बत से देख रहे हैं, मेरे सारे भाई उसी मोहब्बत से सुनिएगा मेरा मौजू है वहदानियत की निशानियां ईसा भी वहदानियत की निशानी है नहीं है मजमा ईसा निशानी है दो हफ्ते के थे या सोलह दिन के जनाबे मरियम जब एक मरतबा गहवारे में लाई तो सारे के सारे यहूदी रेबाइज़ रिब्बी मुल्ला बोलने लगे अन्ना लगे ओ मरियम कहां से ले आई बच्चा माँ खाना उम्म के बगिया या उख्ता हारून ओ हारून की बहन तेरा बाप नबी था माँ बाग दामना थी तू बच्चा कहां से ले आई अल्लाह ने कहा था मरियम मैं ऐसा मोज़ज़ा दिखाऊंगा उन्हें मौत पड़ जाएगी अभी नारा नहीं सलामत रहे उन्हें राम एक मतलब तो अशार कुरान करीम है सूर मरियम अल्लाह ने जनाब मरियम के नाम पे सूर नाजिल किया फारत फा इला है जनाबे मरियम ने कहा मैं नहीं बोलूंगी बच्चे से पूछ लो कहां से आया बच्चे से पूछ लो सब ने कहा दो हफ्ते का बच्चा कैफा वो जो गहवारे में बच्चा है हम उससे कैसे बात करें कभी नौ मौलूद बच्चे भी बोलते हैं एक मरतबा गहवारे से जनाब ईशा ने आवाजी इन्नी अब्दुल्ला किताब चाली नबिया मैं अल्लाह का बंदा हूं उसने मुझे किताब दे के भेजा है मुझे नबी बनाया मैं आम बच्चा नहीं हूं बड़े बड़े मुल्लाओं का वही हार्ट फेल हो गया अरे बच्चा बोल रहा है अब समझ में आया ये पंद्रह रजब को दो दिन का बच्चा क्यों कह रहा था या रसूल अल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब ने बे चलते रहिए गाना ये अल्लाह की वहदानियत की निशानियां मजमा मेरा साथ देगा वहदानियत की निशानियां मैं जानता हूं कि आप लोग बेइंतेहा कई घंटों से बैठे मुझे बताया गया है अगर किसी का व्यू ब्लॉक हो जाता है तो उसको यहां पे अचानक एक मरतबा घबराहट से महसूस होती है घंटों से आके बैठो मेरा व्यू नहीं है तवज्जो सारा मजमा क्योंकि देखने और सुनने आया मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे बस भाई सारा मजमा ज़हमतों को बर्दाश्त कर लीजिएगा अजिजा के रामी आप यहां पे मौला की मोहब्बत में आए हैं तवज्जो आप सब देखना भी चाह रहे हैं सुनना भी चाह रहे हैं और अगर कोई काबे से आया हो चलते रहिएगा रहिएगाइए किसी का अभी अभी किबला ने नाम नहीं लिया है कि कौन सा बच्चा आया है लेकिन आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप समझ गए तो सुन के मैं नाम अली को मुस्कुराया इसलिए सुन, सुन के मैं नाम, मैं नाम मैं अली, अली को, को। मुस्कुराया इसलिए जहार होना चाहिए और हर किसी को दौलत इश्क़ अली मिलती नहीं पहले माँ को साहेबे किरदार होना चाहिए

और अब मैं जानता हूं इस रिश्ते का नाम विलायत है। भाई साथ चलिएगा जो जुमले पेश कर रहा हूं तो अल्लाह वहदानियत की निशानियां शाहिद को आज मुझे मुकम्मल करना है अगर मैं शाहिद पेश कर लू सारा मजमा है ना मेरे साथ मजमा सुन रहा है मुझे बस सुन लीजिए काफी है सारे मजमे की तवज्जो रहे सूरह नहल कुरान करीम में एक सौ चौदह सूर एक सौ चौदह अल्लाह ने कुरान भी एक और चौदह से खाली नहीं रखा तब एक सौ चौदह सूर्य नंबर सोलह सूरा नहल सूर नमल और है वो 27वां सूर है चूंठी सूर नहल शहद की मक्खी अल्लाह ने बहुत से जानवरों पर भी कुरान के अंदर सूरों के नाम रखे हैं सूरा बकरा गाय वाला सूरा तो कोई गाय का वाक हुआ था ना सूरा फील हाथी वाला सूरा तो कोई हाथी वाले अबाबीलों से तवज्जो मैं कुछ भी नहीं कह रहा इशारों में बातें कर रहा हूं कभी ना सोचिएगा इसकी फौज ज्यादा हाथियों पे आया है अभी भी मजमा नहीं है कुछ लोग हाथियों पे आते हैं कुछ ऊंटों पे के रामी, लेकिन फतेह हक की होती है कभी अबाबीले हाथियों को हरा देती है कभी छोटा सा लश्कर ऊंटों वालों को हरा देता है और कभी बहत्तर में से एक छोटा सा बच्चा

योम नब असो फी खुल्ले उम्मत शहीदन अल हिम मिन अनफु ए मेरे हबीब उस दिन हम हर उम्मत में किसमें से हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे जो उन्हीं में से होगा मिन अनफु से ये अनफुस बड़ा अहम है उन्हीं में से होगा वह बेका शहीदन अल्हा और आपको गवाह बना के लाएंगे उन सारे गवाहों पे तो अल्लाह का किसी से कोई तकल्लुफ नहीं है तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो अल्लाह का किसी से कोई तकल्लुफ तारुफ नहीं है कि चलो मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है तो तकल्लुफ सब पे गवाह बना देता हूं ये दुनियादारों का अकरबा परवरी काम है ये भाई है दे दो बेटा है ओहदा दे दो मैं आज की बात नहीं पूरी तारीख में होता रहा है अल्लाह ना अहल को कभी ओहदा नहीं देता ना ना अहल को नबी बनाता है ना ना अहल को रसूल बनाता है ना ना अहल को खलीफा बनाता पहुंच रहे हैं बेटा रुबाई नहीं मेरी जान मेरा बच्चा वक्त नहीं रुबाई का वक्त नहीं है मैं अगर पहुंचना ना होता मैं रुबाइया सुनने का बहुत शौकीन हूं मुझे खुद भी मिले अजाने के नाम अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे हबीब योम नब हम गवाह लेके आएंगे कुल उम्मत हर उम्मत में एक गवाह लेके आएंगे शहीदन आलहिम मिन अनफुसहिम वह जैना आपको लेके आएंगे शहीदन गवाह के तौर पे अला हाउलाए उन सब पे पाकिस्तान की अदालतों के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं मैंने किसी फैसले पे नहीं बोलना मैं जानता हूं मुझे अपनी हदूद में रहना इख्तरा बात नहीं करूंगा आज पाकिस्तान के अंदर बहसें चल रही हैं ये हुआ था या नहीं हुआ था किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था ऐसे हुआ था गवाह ले आओ हम मान लेंगे अगर पाकिस्तान की अदालत में कोई आदमी जाए और जाने के बाद कहे जज साहब मैं गवाही देने आया हूं और जज साहब सवाल करें आप वहां थे जब निका पढ़ा गया नहीं है मजमा जब तलाक हुई छे कहने मैं गवाही मैं था नहीं गवाही देने आया हूं नहीं है मजमा जज साहब कहेंगे उसे उठा के बाहर फेंको जब तू था ही नहीं तो गवाही कैसी अभी भी मजमा नहीं है अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब हर उम्मत पे उसका नबी गवाह लाएंगे आपको सारे नबियों पे गवाह लाएंगे सारे नबियों पे गवाही वो दे सकता है जिसने देखा हो नहीं सारा मजमा

ओ मेरे फरिश्तों याद कीजिए मेरे हबीब हमने फरिश्तों से कहा था याद कीजिए अभी भी सारा मजमा नहीं है अगर मैं किसी जगह मजलिस में गया हूं साथ में कोई मोमिन हो मैं उसे कहूं याद कीजिए कितना मजमा था कितनी मोहब्बत से सुना याद उसे कराया जाता है जो साथ हो जो पहुंच गए उन्हें सलाम अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब याद कीजिए जब हमने आदम को सजदा कराया अमानो ना आदम से पहले से कुछ हस्तियां थी हजरत आदम से पहले से चले जो परेशान है जिन्हें अभी तक नहीं बोला है उनको मैं बुलवा के जो नहीं पहुंचे उन्हें उंगली पकड़ के पहुंचाना मुझे आता है अल्लाह सूरा आराफ उठा के देख लें सूरा बकरा जो मेरे भाई पहुंच गए उन्हें सलाम सारे मजमे की तवज्जो खुदा की कसम मेरे सीने में ताकत नहीं खूने जिगर दे रहा हूं अल्लाह ने जब अल्लाह ने कहा ना सारे फरिश्तों सजदा करो आदम को अल्लाह कह रहा है फसजदु सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के अल्लाह ने कहा ओ इबलीस तुझे किसने रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया अस्तकबरता है या तू आलीन में से हो गया है तो मानो ना कुछ आलीन थे जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था आलीन यानी आली सब जवाब दीजिए नजफ तक आवाज जाए सब मिलके जवाब दें जाने ग्रामी मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं है मेरी बात वाजे हो रही है अल्लाह फरमा रहा है कि आए मेरे हबीब हम आपको तमाम गवाहों पे गवाह बना के लाए सार हर उम्मत के गवाह हैं उनके नबी और सारे नबियों के गवाह हैं रसूल खुदा कुछ लोग पहुंच गए हैं तवज्जो मैं जानता हूं बारह बज गए हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं मजमे की तवज्जो रहे अल्लाह फरमा आपको लेके आएंगे हाउला हा उन सब पे आपको गवाह बना के लेके आएंगे और इस आयत में सूरह की अल्लाह फरमा रहा है अफमन खाना अला बब ही वैतू हो शाहिदुम हो पयम्बर सारे नबियों के गवाह और पयम्बर का गवाह कौन है जो साथ, साथ चल रहा है तलाश करो अगर सहाबा में मिले तो मुझे भी ले चलो कदमों में बैठा रहूंगा गुलाम बन के रहूंगा कबर को चूमूंगा भी आंखों से भी लगाऊंगा और अगर तुम्हें न मिले तो मेरे साथ चलो मैं नजफ ले चलता हूं भाई, मैं अगर मुकम्मल कर रहा नारे का जवाब दे दीजिए फिर मुझे मुकम्मल करना दलील दे रहा हूं सब मिलके जवाब दीजिए भाई।, भाई मजमे की मेरे साथ रहे, अब अल्लाह सूरह में फरमा रहा, मैंने अभी सूरह नहल से दलील पेश की पैंबर सारे नबियों पे गवाह में अल्लाह मेरा नबी रोशन दलीलें लेके आया और एक गवाह मजमा है मेरे साथ एक गवाह मैं दोबारा दोहरा रहा हूं एक गवाह शाहिद के तर्जुमा यही सब ने किया अगर किसी में जुर्रत है तो दो तीन बना ले नहीं अल्लाह अफ़मन लेर अला वह यू हो शाहिद गवाह जो उसी से है उसी से पैंबर ने किसी के लिए नहीं कहा इन्ना मिन्नी वना मिन हो सिर्फ चादर उड़ा के का अली फातिमा हसन हुसैन ये मुझसे अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया अभी भी मुकम्मल नहीं तो फरमा रहे थे जाने के राम भाई मजमा मेरे साथ रहे मैं जो जुमले मुकम्मल कर दू अपना सारा के सारा मजमा मेरे साथ रहे तो अल्लाह कह रहा है एक गवाह साथ साथ है एक गवाह एक आइए कुरान का सूरा सूरा बुरुज, सारी दलील कुरान से दे रहा हूं अगर सुनना पसंद फरमा सूरा बुरूज बुर्ज की जमा बुरूज ये उर्दू में भी आप कहते हैं बुर्ज पिचासी सूर सूरा का नाम है सूर बुरुज बुरुज उस आसमान की कसम जिस पे बुर्ज हैं अली रजा रिजवी नहीं बताएगा पूरी दुनिया से पूछ लो हिंदुओं से पूछो बुद्ध मत वालों से पूछो सिखों से पूछो यहूदियों से ईसाइयों से तमाम मुसलमानों से सब कहेंगे बारह बुर्ज हैं ना ग्यारह ना तेरा बारह बुर्ज है अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया अल्लाह कह रहा है वह समा एरा चिल बुरुज बुरजों वाले आसमान की कसम वल योमिल मौद उस दिन की कसम जिसका अल्लाह ने वादा किया है वह शाह व मशहूद गवाह की कसम और जिसकी उसने गवाही दी है उसकी कसम मैं तो सोच रहा था तर्जुमे में ही सब पहुंच जाएंगे सारे मजमे की तवज्जो भाई आगे आयात मेरे मौजूद से मुताल नहीं मैंने तीन आयात की तिलावत मेरे साथ रहे। कह रहा है, वाले आसमान की कसम उस दिन की कसम जिसका वादा किया फिर यहां पे अल्लाह कसम खा रहा है शाहिदिन व मशहूद गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम तवज्जो अल्लाह कह रहा है एक गवाह की कसम एक शाहिद व शाहदेन व मशहूद गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम तो अब मुझे तो पता नहीं गवाहियां बहुत हो रही हैं अदालतें लगी हुई हैं करोड़ों अफराद गवाहियां दे चुके करोड़ों अफराध गवाही देंगे कयामत तक लेकिन अल्लाह ने एक गवाह की कसम खाई है तो तलाश करो वो एक गवाह है कौन के खालिक उसकी कसम खा रहा है कुछ लोग पहुंच गए अल्लाह कह रहा है गवाह की कसम व मशहूद और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम अब पता चला कोई एक ऐसा गवाह है जिसकी खालिक कसम खाएगा तवज्जो मजमे की तवज्जो में मुकम्मल कर रहा हूं दो से चार मिनट और सहमत दूंगा एक वाकया पेश करने वाला खूने जिगर पेश कर रहा हूं अलग अलग गवाह की कसम और जिसकी वो गवाही दे उसकी कसम मौला अली ने दावतुल अशीरा में पैंबर की गवाही दी तो गवाह अली है मशहूद पैंबर जिनकी गवाही दी वो रसूल खुदा हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो रहे गवाह मौला अली जिनकी गवाही दी वो पैंबर दावत झुल अशीरा में गवाह अली है जिनकी गवाही दी पैंबर और गदीर में पैंबर ने गवाही दी जिसकी गवाही दी वो अली है अब समझो एक ही गवाह है जिसकी अल्लाह कसमें खाएगा वजो फरमा बस तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के लिए दुनिया गवाह तो बहुत ला सकती है कोई ऐसा गवाह दिखाए जिसका खालिक कसम खा के कहे जिसकी अल्लाह ने कसम खाई हो कोई एक ऐसा और गवाह हो सकता है जिसका खालिक खुद कसम खा के बताए कैसा गवाह है ये गवाह ही काफ़ी है अरे के नामी मैं वाक्य पढ़ना चाह रहा था मेरे ख्याल में मैं कल ही पढ़ूँगा ये जो आप जबरदस्ती पढ़वाते हैं ना बस ये आखिरी वाक्य चलिए अब सुन रहे हैं जरा मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तमाम सिर्फ शिया भाई नहीं गैर शिया भी इस वाके को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे आइए जरा आयत दोबारा सुन लीजिए और मैं फिर ये वाक पेश कर रहा हूं देखें आयत वही है जो आपने सुन रखी है नतीजा उसी से नया नतीजा अख्स करना हदीस वही है जो आपने सुन रखी है उसी से नया नतीजा अख्स करना मजमे की तवज्जो रहे वाकयात वही है लेकिन उसमें से नया नतीजा मेरे मौजू से मुताल है मैंने आपके सामने कभी यह वाक्य नहीं पढ़ा कि जो सारा मजमून मैंने पेश किया मैंने कभी नहीं पेश किया कहीं पर नहीं पढ़ा यह वाक्य भी शायद मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा औरों ने पढ़ा सबसे सुना होगा आइए जरा दोबारा सुन लीजिए आयत और फिर वाक्य को सुनिएगा कोई आदमी इस वाक्य को मैं जानता हूं रात के सवा बारह हो रहे हैं वाक्य को जया ना होने दीजिएगा अफमन खाना अलाद उम मिन हो कबल ही किताबों मूसा इमामम व जो रोशन दलील लेके आया उसके पास एक गवाह भी है जो उसी में से है और उससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई भी कर चुकी है रहमत भी है इसका मतलब है जनाबे मूसा की किताब में भी तस्करा आया है गवाह का तस्करा पहले भी आ चुका है अभी भी मजमा नहीं है आइए जरा वाकया पेश कर दू मौला आमिर सफर कर रहे हैं खैबर का एक यहूदी सा जैसे ही मौला यहूदी के साथ चल रहे थे दीन पे गुफ्तु हो रही थी दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं वो जनाब मूसा पे और मौला अली जनाब रसूल खुदा पे इतने में सामने दरिया आ गया वाकया आपने सुन रखा नतीजा अली रजा रजवी से सुन लीजिएगा वही वाकयात होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि अपने से अब कुरान कह रहा है मूसा और उससे पहले इस गवाह से पहले मूसा की किताब इमाम हिदायत भी कर चुकी है पेशवर रहनुमाई कर चुकी है इन्हीं की तरफ तो अब किसकी तरफ रहनुमाई की तो दोनों साथ साथ चल रहे मौला उस यहूदी के साथ, साथ साथ सफर कर रहे हैं इतने में आ गया दरिया अब दरिया को पार करना था मल्ला मौजूद नहीं था कश्ती थी नहीं एक मरतबा यहूदी पानी के सामने आगे गया कुछ पढ़ा चलता हुआ दरिया पार कर गया पार जाने के बाद एक मरतबा मौला अली को देखा आप भी आके दिखाइए मौला ने पानी को इशारा किया मुंजमिद हो गया जब मुंजमिद हुआ मौला ने कदम रखे पार वो कदमों में गिरा मैं तो जो भी जानता था इसमें आजम पढ़ के दरिया के पार आ गया आपने क्या पढ़ा के पानी मुंजमिद हो गया मौला ने कहा मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा पहले तू बता तू ने क्या पढ़ा उसने कहा हमारी किताब तौरेत उसमें जनाब मूसा ने बताया कि अल्लाह ने कहा एक आखिरी नबी आएगा उस आखिरी नबी का एक वसी होगा उसका नाम होगा अली मैंने पानी से कहा ओ पानी तुझे अली के वास्ता मुझे पार जाने दे मौला ने कहा वो अली मैं राजी हैं अब जवाब दे दे नारे क्या तवज्जो फरमाइए अब तो राजी हैं आपने पढ़वाया था मैंने पढ़ दिया यहूदी ने पूछा भाई मैंने तो अपना इसमें आजम पढ़ा मैं पार चला गया मौला ने बताया तूने इसमें आजम पढ़ा क्या कहा मैंने जो जनाब मूसा ने बताया आखिरी नबी का एक जानशीन होगा नाम अली होगा कि हम यहूदियों के जितने हैं ना अली को इसमें आजम मानते हैं पार चले जाते हैं मौलाना का वो अली मैं हूँ जब कदमों में गिरा मौलाना का उठ जा अब भी मोहम्मद को नहीं मानेगा जिसका जानशीन अली हो मोहम्मद को मान ले अब पता चला इस्लाम तलवार से नहीं अली के किरदार से गिरामी जहां किरदार बुलंद हो अजमत बहुत ज़्यादा हो फिर ऐसे ही घरानों में बच्चे अली असकर होते मैं ममनून हूं बिशप साहब ने मुझे जितनी तश्वीक की जितनी मुझे दाँत दी कि बिशप ऑफ पाकिस्तान हैं बार बार दोहरा रहे हैं बहुत अच्छे आप सलामत रहें आइए जरा मेरे साथ चलिएगा आज सातवीं मुहर्रम की रात है आप जानते हैं ना हर रोज लश्कर आते थे एक एक हजार दो दो हजार तीन तीन हजार चार चार हजार का लश्कर आता जनाब जैनब हर लश जब आप जानते हैं ना फौज आती है लश्कर आता है तो लश्कर के हथियार होते हैं घोड़े ऊंट होते हैं तो शोर बुलंद होता है जनाब जैनब एक ही सवाल करती भैया कौन आया मौला एक ही जुमला फरमाते बहन ये आपके भाई हुसैन को मारने आए तो बीबी ने फरमाया मौला कोई कूफे में आपका नहीं है मौला ने फरमाया है क्या मौला भैया आप भी बुला लीजिए तो बस मौला ने खत लिखा और आज ही रात जब कोई मेहमान आया ना जनाब हबीब की शक्ल में हबीब अपने मुज़ाहिर तशरीफ़ लाए तो मौला हुसैन खड़े होके इस्तबाल कर रहे थे तो जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया पूछा कौन है कि मेरा भाई ख़ुद खड़े होके इस्ताल कर रहा तो जनाब फिजा ने फरमाया बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए तो जनाब जैनब ने फरमाया हबीब को जैनब का सलाम कह दो जनाब हबीब ने आज रात जब सुना ना जनाब जैनब ने सलाम कहलवाया सर से अमामा उतारा घुटने पे मारा और एक जुमला कहा हुसैन आप इतने गरीब हो गए बहनों को साथ ले आए मौला ने फरमाया मेरी शहादत मेरी बहनें बचाएंगे मैं अल्लाह का अपने नाना का दीन बचाऊंगा मेरी बहनें मुझे बचाएंगी भाई आज रात रोने में ना कीजिएगा मैं जानता हूं लोग कई घंटे से बैठे हैं लेकिन एक सवाल करूँ आपसे आप अपने अपने घर जाके बिस्तर पे सो जाएंगे ना कोई ऐसा तो नहीं है जो रेत पे बैठा रह जाए। है अजरकोल्ला जब आप ज्यादा रोएंगे तो सबील से पानी पी लेंगे ना शरबत मिल जाएगा ना कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए अजरक अजरको मल्ला भाई रोने में ना कीजिएगा मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं कुछ सख्त जुमला पढ़ूं मुझे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से रास्ते में कई मस्तूरात छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे तो मैंने देखा कई सब मर्द अपने साथ मस्तूरात को ला रहे हैं बेटियों को ला रहे हैं मैं एक सवाल करूं आपसे अगर आप में से कोई मर्द किसी छोटी बच्ची के साथ आया हो और उसे पता चले बच्ची बेहोश हो गई है तो क्या सवाल करेगा यही पूछेगा ना पानी पिला दिया था या नहीं कोई ये तो नहीं कहेगा तमाचा किसने मारा था अजरकुम अल्ला हाय करबला वाले माओ के सामने बच्चों को मारा गया आज रोने में ना कीजिएगा आज जनाब अली असगर का झूला बरामद होना बस भाई मैं जो जुमले पढ़ू उन्हें बड़े आराम से बाज लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अजाना के नामी मौला हुसैन ने मैदान करबला में ना कई नारे बलंद किए जब सब शहीद हो गए तो मौला ने एक मरतबा अपने जुलझना पे सवार होकर सारे मजमे को देखा और फिर बुलंद आवाज देखा नास है कोई जो अभी भी हमारी मदद करना चाहे अभी भी बख्शा जाएगा हमारी तरफ आ जाओ कोई नहीं आया मौला ने दूसरा नारा लगाया क्यों आने वाले मुसलमान थे हलमिन राबिन यजुब अनहरम रसूल है कोई जो नबी की नवासियों के पर्दे बचा ले बस जैसे ही मौला ने कहा ना, है कोई नबी जादियों का पर्दा बचाने वाला बीबियों के रोने की आवाज आने लगी मौला खेमे में वापस आए खैमे के बाहर अपने जुलझना को रोका बुलंद आवाज से कहा जैनब मेरी बहन बीबियों से कह दो अभी हुसैन जिंदा मेरी जिंदगी में इतनी बुलंद आवाज से गिरिया ना करें एक मरतबा जनाब जैनब ने फरमाया भैया जब अभी आपने कहा ना है कोई नबी जादियों के पर्दे को बचाने वाला तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया अब मौला हुसैन असलाम से रहा नहीं गया मौला जुलझना से उतरे खेमे में आए पढ़ू या ना पढ़ू अभी बरामद नहीं होगा आपने देखा मेरा भाई एक ऐसा सफेद रंग का कफन जिसपे खून लगा है जिसमें तीर भी लगा है काश ऐसा ही लाशा होता लेकिन अली असगर को भी कफन नहीं मिला अजरकोल्ला आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं है मसा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरे साथ साथ चलते रहिएगा एक मरतबा मौला हुसैन खेमे में आए आवाज है रबाब जरा अली असगर को मेरे पास लाइए मौला ने जमीन करबला के खेमों के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया, जनाब जनाबे अली असगर को उस पारचे पे रखा जैसे कफन के बंद रखे जाते हैं, वैसे ही जनाबे अली असगर को सफेद कपड़े में लपेटा और कहा रबाब आप दूसरे खेमे में चली जाइए मौला जानते हैं मां से छोटे बच्चे का प्यास से बिलकना रोके मेरा बच्चा मेरा बच्चा दो मिनट मेरा भाई दो मिनट मुझे पढ़ने दें भाई अभी बरामद ना कीजिएगा मैं कह रहा हूं रुक अभी बस मौला हुसैन आए पढ़ू सारा मैं नहीं पढ़ू मौला हुसैन ने एक मरतबा पार्चे में रखा कफन निकले क्या किया पहली मरतबा हजरत अली असगर धूप में जा रहे थे मां के बगैर मौला ने अपनी अबा उड़ा दी मेरे बच्चे को धूप ना लगे जैसे ही मौला बाहर निकले अशकिया सब कहने लगे अब लगता है हुसैन कुरान लाए हैं कुरान का वास्ता दे के पानी मांगेंगे मौला आगे बढ़े मेरी तरफ देखिएगा मौला ने एक मरतबा जनाब अली असगर से अबा हटाई हाथों पे अली असगर को उठाया बच्चे ने जबान को लबों पे फेरा सारे अशकिया ने रुख फेर लिया कोई मर जाएगा एक मरतबा मौला ने जना तो एक मरतबा मोरे साथ ने आवाज दी या हरमला इख्ता कलाम अल हुसैन हरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे अगर हुसैन बोलते रहे तो बगावत हो जाएगी ये सारी फौज रो रही है हुरमला ने तीर निकाला कमान में रखा चलाना चाहता था तीर गिर गया उसने दोबारा तीर उठाया कमान में रखा तीर फिर गिर गया जब तीसरी मरतबा तीर उठाया उमरे साथ ने कहा ओ हुरमला अगर मुझसे कोई पूछता लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है मैं तेरा नाम लेता तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा जल्दी से बच्चे को मार दे बगावत ना हो जा हुरमला ने आवाजी ओ उमर साथ बच्चे को तो मैं अभी मार दू लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं एक बीबी बुरके का दामन फैलाती है कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला आप नहीं पढ़ने देंगे पढ़ो कुछ लोग हाथ जोड़ रहे हैं रोक दो कुछ कह रहे हैं पढ़ दो हाथ जोड़ के कह रहा हूं जैसे ही हुरमला ने तीर आखिरी मरतबा रखा मक्तल में लिखा लहू सलासो शोअब तीर के तीन मुंह थे बच्चे का गला छोटा था तीर का मुंह बड़ा था अभी रुक जाए अभी नहीं मेरा बच्चा रोके से बस भाई एक मरतबा हुरमला ने तीर चलाया जनाबे अली असगर मौला के हाथों पे थे दो मिनल ओजो ने इलल ओजो एक कान से दूसरे कान तक गला जिभा हो गया खून बहने लगा अभी रुक जाए रुक जाए झूला बरामद होना है मैं कह रहा हूं दो मिनट रुक जाए आज जनाबे अली असल का हक अदा करना चाहता हूं पता नहीं हम में कौन अगले बरस हो कौन ना हो आज मौला हुसैन को और जनाबे रबाब को पुरसा दीजिएगा कहिएगा बीबी रबाब आपकी गोद के उजड़ने का बड़ा सदमा बस भाई तीर चला गला हो गया जब खून बहा मौला के हाथों में आया मौला हुसैन ने जनाब अली असगर का खून जमीन करबला पे बहाना चाहा जमीन से आवाज आई हुसैन अनाज का एक दाना ना उगेगा अगर बच्चे का खून मुझ पे आ गया मौला ने आसमान पे उछालना चाहा आसमान से आवाज आई है हुसैन एक कतरा भी मुझ पे आया तो बारिश ना बरसेगी बूढ़े हुसैन ने खून अली असगर से अपने चेहरे को खिजाब किया परिगारा गवा रहना रुक जा दो मिनट रुक जा मैं इशारा करूंगा हाथ जोड़ के कह रहा मेरी तब तो देखिएगा सारा मजमा मेरी तब तो देखेगा हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ तो देख लीजिए जैसे ही मौला ने जनाब अली असगर का लाशा हाथों पे लिया ख़ैमे की जानिब चले सात कदम आगे लिए सात कदम पीछे कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बे कज़ाएही व तस्लीमन ले अमरे मातमे हुसैन मैं अंजुमन गुलामा हुर से दरख्वात गुजारू अंजुमन गुलामा हुर जनाब असद जाफरी और उनकी अंजुमन के अरकिन से दरख्वास्त गुजारूँ नुहा खानी और सीना जनी के लिए